अगले चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए झारखंड प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए हैं। पटना स्थित जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में मुख्यमंत्री का बिहार मंत्रिमंडल के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं अन्य ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ भाजपा जहां अलर्ट मोड पर है, वहीं विपक्षी दलों ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर बुलाई गई विपक्षी दलों की महाबैठक में कई गणमान्य नेता पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK चीफ एमके स्टालिन, NCP के अध्यक्ष शरद पवार बैठक में शामिल हुए हैं। इनके साथ बैठक में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, CPI नेता डी राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी विपक्ष की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।